गुजरात के लोगों के लिए ये सप्ताह पहले ही मुश्किलों भरा रहा है। अब गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जूनागढ़ और राजकोट में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हैं। अभी लोगों को बारिश से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। बाद मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक पूरे गुजरात में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के कारण गिर सोमनाथ जिले के कई दूरदराज के गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मटना, लोधवा, सिंगसार, मूल द्वारका और मालाश्रम जैसे निचले गाँव जिला मुख्यालय से कट गए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बिजली आपूर्ति में भी कटौती हुई है और नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित होने की भी सूचना मिल रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ उपखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश के सप्ताह के अंत तक और विकराल रूप ले सकती है। इन भविष्यवाणियों को देखते हुए पूरे राज्य को अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अहमदाबाद, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी, वलसाड में ऑरेंज अलर्ट जारी है तो सूरत, अमरेली, भावनगर, भरूच, वलसाड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गिर सोमनाथ में रेड वार्निंग है तो अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड़ी में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं कच्छ में रेड वार्निंग है। देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, जाग, नवसारी, वलसाड में ऑरेंज अलर्ट है। ये ऑरेंज अलर्ट 12 तारीख के लिए है। गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को भारी बारिश हुई। शहर में 3 घंटे के अंतराल में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले 5 दिनों तक गुजरात के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अहमदाबाद में जल जमाव के कारण कई लोग जाम में फंस गए। दूसरी तरफ पानी कम होने के बाद स्थिति सामान्य होने में करीब 3 घंटे का समय लगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज़। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।